साथियों, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। दिल्ली की कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर जाकर सेना से सबूत मांगे थे। इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। ये है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? करारा जवाब देंगे ना? आगे से ऐसी गलती ना करें, ऐसा करेंगे ना? भाइयों बहनों, जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे, आंख में धूल झोंकते रहे। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। ये भी भाजपा सरकार ही है जो देहरादून से उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था, उत्तराखंड यानी चार धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है।
उत्तराखंड में चार धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक पांचवा धाम है, सैन्य धाम, वीर सपूतों का धाम, वीर माताओं का धाम। उत्तराखंड का ये गौरव उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो देश की सेना और शहीदों का मजाक उड़ाते हैं।